नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं द भारत शो। शरद पवार ने एक बार फिर से कांग्रेस के साथ खेल कर दिया है। महाराष्ट्र में गठबंधन में भी है कांग्रेस के साथ और दूसरी तरफ कांग्रेस जिन मुद्दों को उठा रही है, अब पवार उन मुद्दों की हवा निकाल रहे हैं। यहां तक कि अडानी से मुलाकात भी कर रहे हैं। एक तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस अडानी के पीछे पड़ी हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रही है, तो दूसरी तरफ जिस अडानी को कांग्रेस और विपक्ष मुद्दा बनाए हुए है, उसी अडानी से शरद पवार गुप्त मुलाकात करते हैं और वो भी दो दो घंटे मुलाकात होती है बंद कमरे में। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की डील हुई होगी और क्या बातचीत हुई होगी, वो तो उन दोनों के बीच में ही है। लेकिन इस दौर में जब पूरा विपक्ष अडानी को लेकर लगातार हमले कर रहा है, इसे मुद्दा बनाए हुए है, तो इस बीच अगर शरद पवार उनसे मिलते हैं तो साफ सी बात है कि विपक्ष को एक तगड़ा झटका देते हैं। जिस जनता में ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अडानी ने फ्रॉड किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ हैं और देश की जनता के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, उसी अडानी से विपक्ष के सबसे बड़े नेता दो घंटे बंद कमरे में मुलाकात करते हैं, तो जनता के बीच संदेश जो है वह स्पष्ट जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ ये हो हल्ला है। अब आपको वो तस्वीरें भी दिखा देते हैं जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। दरअसल आप देख सकते हैं, एक तरफ ये कारें हैं जो मुलाकात करने के लिए किस तरीके से पहुंच रही हैं और निकल रही हैं, शरद पवार और अडानी की मुलाकात हो रही है, तो दूसरी तरफ ये ट्वीट है प्रियंका गांधी वाड्रा और इसके साथ ही उनके भाई राहुल गांधी का। सबसे पहले राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया था और वीडियो जारी करते हुए राहुल गांधी ने एक कैप्शन में लिखा था कि एयरपोर्ट सेठ के, पोर्ट सेठ के, बिजली सेठ की, कोयला सेठ का, सड़कें सेठ की, खदाने सेठ की, जमीन सेठ की, आसमान सेठ का, सेठ किसका, सेठ साहेब का। और नीचे उन्होंने वही जो आरोप लगातार लगाते रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और अडानी पर, वही उन्होंने वीडियो में जारी किया था। लेकिन ऊपर अगर आपको बताएं तो इसको रीट्वीट करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा है कि सब कुछ सेठ का और सेठ किसके ? तो सेठ की फर्जी कंपनियों में 20,000 करोड़ भी किसके हैं ? यानी कि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा गया। वही जो ये ट्वीट आया है, अगर इस ट्वीट के नीचे आप जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे ट्वीट आपको मिल जाएंगे जहां पर कांग्रेस की हकीकत बयां हो जाएगी। सबसे पहले तो मिल जाएंगी वो तस्वीरें जो इनके जीजा जी की हैं, यानी कि राहुल गांधी के जीजा जी और प्रियंका गांधी वाड्रा के हस्बैंड की, वो मिल जाएंगी बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ। और इसके साथ ही जो कुछ भी इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से उन्हें एक बिजनेसमैन के रूप में दिखाया गया, पहले उनकी क्या कुछ औकात रही है और प्रियंका गांधी वाड्रा से शादी होने के बाद किस तरीके से उनका बिजनेस बढ़ा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और किस तरीके से UPA 1 और UPA 2 में कितने बड़े बड़े घोटाले किए गए। अब रॉबर्ट वाड्रा की तो बात की ही जाए तो उसको लेकर तो कमेंट भरमार है ही, इसके साथ ही नीचे और भी कई सारे खुलासे जनता ने ही कर दिए हैं और जनता ने सवाल भी उठाया है कि एक तरफ तो आप लोग अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर निशाना साधते हैं, दूसरी तरफ आपके जो मुख्यमंत्री हैं, जहां पर आपकी सरकारें हैं, वो अडानी के साथ नजर आते हैं, वो अडानी से सौदा करते हैं। सबसे बड़ा सौदा राजस्थान में होता है जहां आपकी खुद की सरकार है, जहां पर आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। तो इस तरीके से जनता भी जवाब दे रही है और इसके साथ ही BJP जो है वो भी पलटवार कर रही है। लेकिन इसी बीच जो सबसे बड़ी खबर थी जो हमने आपको बताई शरद पवार को लेकर और अडानी को लेकर, सोशल मीडिया पर अगर आप देखें तो गौतम अडानी जो है वो ट्रेंड भी कर रहा है। अब क्या आपको लगता है कि जो मुद्दा कांग्रेस की तरफ से उठाया गया है अडानी का, क्या ये टिकेगा या फिर राफेल की तरह ये भी फेल हो जाएगा?